हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं दोस्तों, जो अपनी सॉलिड स्टेट है उसमें हमारा एक टॉपिक है पैकिंग मेटेलिक क्रिस्टल, यानी जो पैकिंग होती है, जो मेटल क्रिस्टल होते हैं उसमें किस प्रकार की होती है और उसकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त होती है। तो पैकिंग इन मेटेलिक क्रिस्टल का मीनिंग है कि अगर कोई भी क्रिस्टल्स होता है उनका अगर निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी क्रिस्टल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम पे उसमें जो कण उपस्थित होते हैं, जो परमाणु होते हैं वो, या जो कण होते हैं उनकी इस प्रकार वो अरेंजमेंट होते हैं ताकि उनके बीच में जो स्थान हो, जो स्पेस हो, वो तो क्या हो, कम से कम हो, स्पेस क्या हो, कम से कम, और उसका जो घनत्व हो वो क्या हो, अगर क्या होगा, स्पेस अगर कम से कम होगा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी, और उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। और अगर घनत्व अधिक है और साइज क्या है, कम है, तो उसका वो क्या हो जाएगा, स्थाई होगा। क्या होगा, अधिक स्थाई होगा। वो क्या होती है, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन होता है, किसकी, मेटल में जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर, यानी उसमें स्पेस क्या होता है, कम से कम होना चाहिए, घनत्व है ताकि अधिक हो और वो क्या हो जाए, हो सके, स्टेबल है हो सके। अब बात करते हैं किसकी, अगर एक तो जो स्क्वायर होता है हमारा, स्क्वायर में, और एक किसमें होती है, हेक्सागोनल में। तो अगर स्क्वायर की बात करते हैं, अगर इस प्रकार क्या है, कोई गोले हमारे पास में अवेलेबल है, ये हमारे क्या है, फर्स्ट रो के जो गोले होते हैं, जो परमाणु है वो, और सेकंड के हैं जस्ट इसके ऊपर, इस प्रकार से रख दिए जाते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अटैच होते हैं इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास में क्या है, ये चार गोले हैं और इसको क्या करें, इस प्रकार से अगर मिला दिया जाए, किस प्रकार, इस प्रकार अगर मिला दिया जाए, या अगर इससे बड़ा भी ले ले तो, यानी इस प्रकार अगर इनको हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं इन चार गोलों को, और ये क्या हो गई इसके, यानी जो ये स्ट्रक्चर हमारे को इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो ये क्या होता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है दोस्तों, कितना है, फोर, कितने गोले के जो अटैच में, वन टू थ्री और फोर के साथ में क्या है, अटैच है, इसलिए इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, फोर हो गई। फिर बात करते हैं अगर हेक्सागोनल हो, तो हेक्सागोनल क्या करते हैं, ये हमारी फर्स्ट रो है जो गोले होते हैं इस प्रकार से, सेकेंड रो क्या करते हैं, इनके जो क्या रहता है, बीच में जो गर्त रहती है उसके ऊपर रख दिया जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको रख दिया जाता है। और थर्ड पंक्ति क्या करते हैं, वापस इसके जो गोल गर्त होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार अरेंजमेंट किया जाता है। तो यहां पर ये क्या बन रही है, ये स्ट्रक्चर हमारे को इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो रही है, इस प्रकार का हमारे को इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो सिक्स मेंबर्ड है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हो जाएगा, कितने गोले के साथ में अटैच है, सिक्स के साथ में क्या है, अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, सिक्स। और इसमें अगर हेक्सागोनल की अगर बात करें और कोऑर्डिनेशन आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो दोनों में जो स्टेबल होता है वो होता है आपका हेक्सागोनल। क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें स्पेस रहता है वो कम ही रहता है, स्पेस क्या रहता है, बीच बीच में कम रहता है, और इसमें स्क्वायर में क्या रहता है, अधिक रहता है। और इसमें जो 60.4% क्या होता है, जो स्पेयर रहता है वो गोलों के द्वारा बराबर रहता है, यानी बराबर भाग है ये,
भरा हुआ भाग कितना है 60.4। और इसमें जो भरा हुआ भाग होता है इसमें स्क्वायर में वो होता है आपका 52.4%। इसके अलावा सारा क्या रहता है, रिक्त रहता है। तो दोनों में क्या स्टेबल कौन सा होगा, हेक्सागोनल किसकी बजाय, स्क्वायर प्लेनर की बजाय। नेक्स्ट हमारा क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, ये अगर जो 3D स्ट्रक्चर होती है उसमें क्लोज पैकिंग किस प्रकार होती है। अगर हमारे को क्या किया जाता है, अगर पहली पंक्ति के कण है या जो पहली हमारे पास में क्या है, पहली पंक्ति के पार्टिकल्स है किसमें, हेक्सागोनल में, तो उसमें क्या करते हैं जो दूसरी पंक्ति के पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पहली जो पंक्ति होती है जो पहली रो है उसके क्या करते हैं गर्तों में रखा जाता है। और जो थर्ड होते हैं उनको वापस है, जो पहली रो होती है ठीक वैसे ही अरेंजमेंट किया जाता है। इस प्रकार से इनको अरेंजमेंट किया जाता है, यानी जो पहली पंक्ति होती है और जो थर्ड रो होती है। तो अगर सेकंड को इस प्रकार से अगर रखा जाए कि दो फर्स्ट रो है उसके सेकंड के गर्तों में, और थर्ड को वापस कर इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाए कि जो फर्स्ट रो के जो गर्त होते हैं वो क्या हो जाए, आधे भर जाए। ये क्या होती है आपकी हेक्सागोनल में क्या होती है, क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। ये तो क्या किसकी, हेक्सागोनल की। इसमें टू टाइप्स के होते हैं, ए बी और फिर वापस ए, यानी इस प्रकार इसमें रिपीट होते रहते हैं, ए बी टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। फिर बात करते हैं ए बी सी एन, जिसमें तीन रो हो या तीन टाइप के रो हो उसके किस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से हमारे को प्राप्त होता है कि जो पहली फर्स्ट रो है उसके ऊपर क्या करते हैं, सेकेंड रो को उसके गर्तों में रखा जाता है इस प्रकार से। वो जो थर्ड होती है उनको वापस इस प्रकार से रखा जाता है ताकि जो फर्स्ट रो होती है उनके जस्ट ऊपर आ जाए, कौन से थर्ड रो के अपने। यानी ये क्या करेंगे, अगर इस प्रकार गोलों को रख दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, जो फर्स्ट रो होती है जस्ट उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, नीचे बना देते हैं, सेकंड इसके गर्तों में, और थर्ड क्या करेंगे वापस इसके ऊपर इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं ताकि फर्स्ट रो के ऊपर आ जाए। अपनी ए बी सी टाइप की, इधर ए बी और सी टाइप की हो जाएगी, और जो बीच में जोर होती है वो इस प्रकार से अरेंजमेंट कर देते हैं, इसको ये क्या होती है एक दूसरे से टच होती है। अगर इसको रियली वैसे स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारे को किस प्रकार की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये सिक्स मेंबर्ड किसकी बात करें हम, हेक्सागोनल के लिए। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, सिक्स होता है, इस प्रकार से। तो इसमें जो ऊपर वाले होते हैं उनको ऊपर वाले से मिला देंगे, साइड वाले को यहाँ से साइड वाले से मिला दीजिए इस प्रकार, और जो ऊपर वाला है उसको इस रिंग के ऊपर वाले से, नीचे वाले को इस रिंग के नीचे वाले से अटैच कर दीजिए इस प्रकार। ये क्या इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है।
तो इसको क्या करते हैं, सभी दो व्यंजन के कार्बन है हमारे पास में, इस प्रकार से इसको आपस में मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला दीजिए इस प्रकार, यहाँ पर क्या है तीन पार्टिकल्स रखे हुए रहते हैं, सेंटर का पार्टिकल इनको आपस में इस प्रकार मिला देंगे। तो क्या ये क्या होती है हमारे को, जो आपकी थ्री डायमेंशन होती है, यानी हेक्सागोनल के लिए क्लोज पैकिंग, किस प्रकार की, ए बी और सी टाइप की, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त होती है। ये किसके लिए हमारे, हेक्सागोनल जिसमें ए बी सी थ्री टाइप की क्या हो, कंपाउंड प्रजेंट हो। ये तो क्या इसकी हेक्सागोनल फर्स्ट प्रकार से, इस प्रकार से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं ये एटम्स को। नेक्स्ट इसमें है सेकेंड नंबर रो, ये सिंपल क्यूबिक के लिए होती है अपनी, कितनी होती है, जो सिंपल क्यूबिक होता है उसके लिए स्ट्रक्चर होती है। अब बात करेंगे किसकी, एफसीसी के लिए, तो एफसीसी में क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, उसमें भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वापस सेकंड को इसके गर्तों के ऊपर रखा जाता है, और थर्ड को वापस क्या करते हैं, इसके ऊपर इस प्रकार से रख दिया जाता है। ये इसके गर्तों के ऊपर आ गए, और वापस इसके जस्ट जो फर्स्ट होती है उनके ऊपर रख दिया जाता है, और यहाँ पर ये और ये यहाँ पर, ये क्या होती है हमारी, ए बी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ए बी ये अपनी बी और ये ए टाइप की स्ट्रक्चर होती है। अगर इसके आपको जी तरीके से जो समझने की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की प्राप्त होती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दो दो डॉट यहाँ पर और दो डॉट यहाँ पर, दो ही डॉट यहाँ पर लगा देते हैं, और दो डॉट यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, और इनको क्या करते हैं, जो ऊपर वाली डॉट होती है उनको ऊपर वाले से इस प्रकार से मिला दीजिए, ये ऊपर वाले से, और इसका ऊपर वाला यहाँ से इसको मिला दिया गया, ये आपका नीचे वाले डॉट है, इसको नीचे वाले से मिला दीजिए इस प्रकार, और इनको क्या करना है आपको, आपस में भी मिला देना है, इस प्रकार से मिला देंगे। तो इस प्रकार की क्या होती है हमारे को स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं, किसके लिए, ये हमारी जो एफ सी सी स्ट्रक्चर होती है, एफ सी सी बोल सकते हो, या जिसको एच सी पी भी बोला जाता है, उसकी ये क्या है, जो रियल स्ट्रक्चर, जो इसी तरीके से समझ रहे, जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे को इस प्रकार की प्राप्त होती है। इसके बाद जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो देखते हैं, किसमें जो अपनी बी सी सी जो संरचना होती है उसके अंदर जो किस प्रकार की क्लोज पैकिंग हमारे को प्राप्त होती है, बी सी सी, तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी इसमें जो बी सी सी जो संरचना, जो भी परमाणु उपस्थित रहते हैं, जो कण उपस्थित रहे उनको क्या करते हैं, इस प्रकार से खोल दिया जाता है कि जो सेकेंड रो के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे वाले चार को क्या करें, स्पर्श करें, ऊपर वाले चार को क्या करें, स्पर्श करें, इस प्रकार जो एक परमाणु होता है वो टोटल कितने को, आठ परमाणु को क्या करें, स्पर्श करें, यानी इस प्रकार से इसको खोल दिया जाता है। और एक परमाणु क्या करें, नीचे वाले चार को क्या करे, वो स्पर्श करे इस प्रकार से, ये होती है इसकी सेकेंड रो। और थर्ड रो वापस इसके ऊपर रखेंगे तो एक परमाणु क्या हो जाएगा, एक जो कण होता है वो कितने संपर्क में आ रहा है, टोटल आठ कणों के क्या आ रहे हैं, संपर्क में आ रहा है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी इनके अलावा एससीपी एफसीसी जितनी संरचना प्राप्त हो, कौन सी होती है हमारी, बीसीसी होती है, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाए तो हमारे को इस प्रकार की प्राप्ति होती है।
इजी तरीके से अगर समझना है तुम्हारे को। यहाँ पर एक सेंटर है और इनको क्या करते हैं, जितने भी जो एट एटम होते हैं कहाँ पर है, इन कोनों के ऊपर, इनको क्या करते हैं आपस में इस प्रकार से मिला दिया जाता है। यानी एक जो पार्टिकल्स हैं जो सेंटर में प्रेजेंट हैं, यानी वो कितने के संपर्क में आ रहे हैं, आठ के संपर्क में रहता है। ये होती है आपकी 20 cc के लिए जो आपकी पैकिंग फ्रैक्शन है। तो ये होगी अपनी 20 cc के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा जो अपने निविड़ संकुलन में क्या होते हैं, जो अंतराकाशीय छिद्र होते हैं वो किस प्रकार के हमारे को प्राप्त होते हैं। यानी निविड़ संकुलन में, निविड़ संकुलन में अंतराकाशीय छिद्र, तो ये क्या होते हैं, जब भी कोई अगर क्रिस्टल का अगर निर्माण होता है तो बीच में क्या रह जाती है, कुछ स्पेस रह जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, अंतराकाशीय छिद्र या अंतराकाशीय रिक्तियाँ बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो अपना ट्राइगोनल ट्राइगोनल एवोइड, यानी जो ट्राइगोनल जो छिद्र होता है वो क्या होता है कि जो पहली पंक्ति के जो रो होते हैं, यह तो पहली पंक्ति के हमारे पास में क्या एटम्स हैं, तो दूसरी पंक्ति को क्या करते हैं, पहली पंक्ति के गर्तों में अगर रख दिया जाए तो इसके बीच में जो स्पेस रहता है वो क्या कहलाता है, आपका ट्राइगोनल छिद्र कहलाता है। ये क्या हमारा ट्राइगोनल छिद्र है। तो इसको क्या करते हैं, इसकी जो ट्राइगोनल है जो बीच में जो छिद्र है, इनकी जो रेडियस होती है वो होती है स्मॉल आर, और इसकी जो रेडियस है इनको कैपिटल आर के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर स्मॉल आर और यानी छिद्र और जो एटम होते हैं उनकी रेडियस वो अगर निकाला जाए तो इसमें एक रेशियो प्राप्त होता है 0.155 कैपिटल आर। ये किसका रेशियो प्राप्त होता है हमारे को, ट्राइगोनल का। फिर सेकंड होता है हमारा टेट्राहेड्रल, किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल एवॉइड। तो इसमें क्या रहते हैं, जो पहली पंक्ति के रो है यहां पर, दूसरी पंक्ति के रो, तीसरी जो से उसके ऊपर जो रो होती है उनको इस प्रकार, जो पहली पंक्ति के जो गर्त होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार से रख दिया जाता है। फिर यहां पर जो क्या होती है, ये जो भी अवॉर्ड हमारे को प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, हमारा टेट्राहेड्रल अवॉर्ड प्राप्त होता है। अगर उसकी स्मॉल आर, उसकी जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है अगर उसमें रेशियो देखा जाए तो वो हमारे को प्राप्त होता है 0.225 कैपिटल आर प्रकार का, क्या होता है हमारे को रेशियो प्राप्त होता है। ये किसके हो गए, टेट्रा हेड्रल के लिए। फिर बात करते हैं किसके लिए, ऑक्टा हेड्रल की, ऑक्टा हेड्रल एवोइड के लिए। तो ऑक्टा हेड्रल में क्या होता है, जो पहली पंक्ति के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये फर्स्ट रो के हो गए, सेकेंड को क्या किया जाता है, इनके जो गर्त होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है, इस प्रकार से। तो इनके बीच में जो ये क्या रह गया, ये कि गर्त रह गया, कितने परमाणु के द्वारा गिरा हुआ है, 6 के द्वारा गिरा हुआ, कितने परमाणु के द्वारा गिरा हुआ है, 6 परमाणु के द्वारा गिरा हुआ है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। और इसकी जो स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ रेशियो होता है वो होता है 0.414 कैपिटल आर। ये रेशियो किसके साथ होता है, अपना ऑक्टा हेड्रोन के साथ में, यानी जो एवेड होता है वो कितने परमाणु के द्वारा गिरा हुआ है, 6 परमाणु के द्वारा, और इसमें कितने के द्वारा गिरा हुआ है, 4 के द्वारा, और इसमें 3 के द्वारा। ये तो क्या अपनी ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल और ऑक्टा हेड्रल की। अब बात करते हैं तो अपना कौन सा होता है, जो क्यूबिक है वॉइड होता है, क्यूबिक वॉइड वीओआईडी, क्यूबिक वॉइड के लिए देखते हैं कि किस प्रकार की हमारे को इसमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो जो नेक्स्ट कौन सा अपना क्यूबिक वॉइड होता
और नंबर का, तो क्यूबिक वेट में क्या होता है, एक जो परमाणु होता है वो टोटल क्या होता है, आठ अन्य के साथ में क्या होता है, कनेक्ट रहता है। कितने के साथ में, आठ अन्य के साथ में कनेक्ट रहता है, और वो इसके क्या रहता है, सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। ये यहाँ पर क्या रहता है, इसके सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ये होता है अपना क्यूबिक वॉइड, यानी इसमें जो आपकी स्मॉल जो इसकी जो छिद्र होता है, ये इसका जो रेशियो है कैपिटल आर के साथ है, वो हमारे को प्राप्त होता है 0.732 कैपिटल आर। और ये जो वॉइड होता है ये कितने परमाणु के द्वारा घिरा हुआ रहता है, आठ अन्य परमाणु के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो ये थी हमारे जो अंतराकाशीय छिद्र, तीन चार प्रकार के होते हैं, कितने परमाणु द्वारा उसकी जो स्मॉल आर जो परमाणु रेशियो होता है वो कितना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।